अपने खुद को कहते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। दोस्तों, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का सेकंड ट्रेलर हम सबके सामने आ चुका है और इस ट्रेलर को हमने बखूबी एंजॉय भी किया है, मगर इस ट्रेलर को देखते हुए हमने कई छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर दिया है। ये छोटी छोटी डिटेल्स जितना हमें सरप्राइज करेंगी उतना ही हमारे लिए मूवी को देखने का इंटरेस्ट बढ़ाएंगी। न्यू कैरेक्टर से लेकर न्यू एक्शन तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का न्यू ट्रेलर फुल स्पेस एडवेंचर से भरा हुआ है। फिर चाहे वो रॉकेट रकून की सैड ओरिजिन स्टोरी हो या गमोरा की ड्रामेटिक एंट्रेंस, ट्रेलर में छुपी उन माइंड ब्लोइंग डिटेल्स का पता लगाएंगे आज के इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर में सुनाई देने वाला सॉन्ग रेनबो का सिंस यू बीन गॉन है। मार्वल मूवीज में खास तौर से हालांकि जेम्स गन के जरिए बनाए गए क्लासिक रॉक स्टाइल से मूवी को स्पेशल बनाने का तरीका है, लेकिन ये सॉन्ग ट्रेलर के इस सीन के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। डीप पर्पल के रिची ब्लैकमोर के जरिए एस्टैब्लिश और लीड किया गया रेनबो इंग्लैंड का एक हार्ड रॉक ग्रुप है और 1980 के दशक की स्टार्टिंग में अपनी पॉपुलैरिटी की टॉप हेड पर था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने साउंडट्रैक के साथ हमें एंटरटेन करना कभी नहीं भूलता और इस मूवी के साउंडट्रैक तो हमारे फेवरेट बन गए हैं। योंडू की डेथ के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि क्रैगलिन ने योंडू की एरो को कंट्रोल करने की कोशिश में गलती से ड्रैक्स को मार दिया था। और फिर बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल ने खुलासा किया है कि भले ही क्रैगलिन ने योंडू की एरो के साथ बहुत वक्त गुजारा हो, पर फिर भी वो ये नहीं जान पाया है कि उसका एरो कैसे काम करता है। मगर चीजों को देखने के नजरिए से क्रैगलिन की एमसीयू स्टोरी कैरेक्टर के बिना पूरी नहीं होगी, मगर फाइनली इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि क्रैगलिन ने योंडू के फेवरेट और पावरफुल वेपन को चलाने में महारत हासिल कर ली हो। भले ही वो योंडू जितना एक्सपर्ट ना बन पाया हो, मगर इस ट्रेलर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि क्रैगलिन को उसे चलाने का पूरा मौका मिलेगा। अब बात करते हैं उस स्मॉल क्रीचर की जिसे हमने गार्डियंस की पूरी टीम के पीछे स्पॉट किया है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी लाइनअप वाले शॉट में इस न्यू टीम मेंबर को स्पॉट किया गया है। जेम्स गन के जरिए डब्ड किया गया न्यू क्रिएचर ब्लर्प है, जो मार्वल कॉमिक्स के किसी भी एग्जिस्टिंग क्रिएचर पर बेस्ड नहीं है। ये न्यू एमसीयू एलियन खास तौर से इस मूवी में दिखाया जाएगा। अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि इस मूवी में उसका क्या रोल होगा, मगर ऐसा लगता है कि इस टीम में उसका होना ये इंडिकेशन दे रहा है कि वो मूवी में कम से कम एक पार्ट के लिए टीम में हो सकता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने एडम वारलॉक और ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के बीच एक धमाकेदार बैटल के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है। ड्रैक्स को एडम वारलॉक के साथ एक ड्रामेटिक वॉर में उलझा हुआ देखा गया है। कॉमिक्स में ड्रैक्स के पास इतनी पावर है कि उसे इस फाइट में एडम वारलॉक के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाएगा, लेकिन एमसीयू ने अब तक उसे एक रियल कॉस्मिक पावर हाउस के फॉर्म में शो करने से मना कर दिया है। लेकिन ये देखते हुए कि वो ट्रेलर में फिजिकल लेवल पर एडम को कैसे चैलेंज कर रहा है, तो हो सकता है एमसीयू ड्रैक्स को अपना पूरा पोटेंशियल शो करने के लिए राजी हो जाए। और अगर एडम वारलॉक के साथ ड्रैक्स की लड़ाई होने वाली है तो उसके सामने टिकने के लिए पूरी कॉस्मिक सुपर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। एडम वारलॉक और हाई इवोल्यूशनरी के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरी टीम के एक मेंबर को जबरदस्त अपग्रेड मिल गया है, वो कोई और नहीं बल्कि नेबुला है। फुटेज में नेबुला के पास एक न्यू बायोनिक आर्म देखा गया है और ऐसा लगता है ये कोई टेम्पररी चेंज नहीं है। ट्रेलर में नेबुला के हाथ से एक ऑरेंज एनर्जी ब्लेड प्रोड्यूस होते हुए देखी गई है। नेबुला के आर्म को हिडन वेपन से अपग्रेड करके उसे अपने दुश्मनों के लिए और भी बड़ा खतरा बना दिया है। ट्रेलर के एक पॉइंट पर गमोरा को शहर में भागते हुए देखा जा सकता है, जिसके हाथों में बेहोश रॉकेट रकून है और उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। और इस सीन में जहां रॉकेट रकून एक पिंजड़े में कैद है, तो हो सकता है इन दो सीक्वेंस में कोई कनेक्शन हो। ये पॉसिबल है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टोरी में रॉकेट को उसके क्रिएटर के जरिए कैद कर लिया जाएगा। अपनी कैद के दौरान वो जो कुछ भी सहन करता है वो उसके कमजोर होने की वजह हो सकती है। सुपर बाउल ट्रेलर हमारे सामने एक एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रिएचर लाया है जो रॉकेट रकून के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इस क्रिएचर का नाम लायला है, जो 1980 के दशक की शुरुआत में मार्वल की ओरिजिनल रॉकेट रकून कॉमिक सीरीज का एक बोलने वाला एनिमल था। गार्डियंस के साथ रिलेशन बनाने से बहुत पहले रॉकेट स्पेस एडवेंचर के एक एंथ्रोपोमॉर्फिक ग्रुप का मेंबर था और उनमें से एक लायला भी थी, जो कॉमिक्स में रॉकेट रकून की बिलव्ड वन है। रॉकेट की तरह उसे मार्वल कॉमिक्स में हाई इवोल्यूशनरी ने क्रिएट किया है। अब बात करते हैं ट्रेलर का वो शॉट जिसमें पीटर क्विल हैरान परेशान दिख रहा है जब वो एक ऐसे प्लेनेट की तरफ देखता है जो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखती है। लेकिन ये बात तो साफ है कि एमसीयू मार्वल कॉमिक्स से एक ऐसे मेजर लोकेशन को दिखाने वाला है जो कि एक काउंटर अर्थ है। द पावर ऑफ एडम वारलॉक की कॉमिक बुक में काउंटर अर्थ को हाई इवोल्यूशनरी ने क्रिएट किया था, जो कि अर्थ का एक डुप्लीकेट वर्जन है। अपनी खुद की दुनिया बनाने की कोशिश में हाई इवोल्यूशनरी ने इसे ह्यूमन क्लोन के साथ जितना पॉसिबल हो सके उतना ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है।
तो दोस्तों सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।